हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी फंडे पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक मच अवेटेड फिल्म जगह पे थंडीरम का। आपको पता ही है कि इस फिल्म में धानुष एक बार फिर से अपना कमबैक कर रहे हैं दो सक्सेसफुल फिल्मों के बाद से, तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई थी। इस तरीके का ट्रेलर हमें देखने के लिए मिला था तो हमें लगा था कि हमें बहुत ही अच्छी कमर्शियल फिल्म देखने के लिए मिलने वाली है। तो क्या ये फिल्म खड़े उतरती है हमारे एक्सपेक्टेशंस पे या हमें डिसअपॉइंट करती है, चर्चा करेंगे इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें फिल्म की लेंथ की, तो फिल्म की लेंथ हमें अराउंड आपको 2.5 घंटे की मिलेगी और फिल्म आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ ये अलग 17 और लैंग्वेज में रिलीज की गई है वर्ल्ड वाइड। अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सुरुली से। सुरुली जिसका किरदार निभा रहे धानुष। सुरुली तमिलनाडु का एक बड़ा गैंगस्टर है और साथ ही साथ वो अपना एक ढाबा भी चलाता है जिसमें कि वो अपने इस गंदे काम को छिपाने की कोशिश करता है। इसी बीच सुरुली को एक ऑफर आता है ब्रिटेन से, जहां एक गैंगस्टर उसे ऑफर देता है उसके लिए काम करने के लिए। ये ऑफर सुरुली एक्सेप्ट कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं लंदन। अब जब सुरुली लंदन पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है उस गैंग के लीडर पीटर के साथ, जो कि अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं सुरुली के साथ। वो बताते हैं कि यहाँ पे एक और गैंग है जिसके की मुखिया है सिवादोर, और हमें उस गैंग को पूरी तरीके से खत्म करना है और उसके मुखिया को मारना है। इसके लिए दोनों प्लानिंग करते हैं और एक दिन वो इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट कहानी इसके बाद से पूरी तरीके से घूम जाती है। अब कहानी में क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब इस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इमिग्रेंट इशूज को लेके घूमती है और ये जस्टिफाई करने की कोशिश भी करती है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो किसी कंट्री में अगर बसते हैं तो वो सही है, जो मुझे लगता है एक तरीके से बहुत ही गलत दिखाया गया है। आप सिंपल से ये बात सोचो कि हमारी कंट्री में भी अगर बाहर से कोई घुसपैठी आते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को लेके परेशान होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इंसान है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, तभी तो उनको हम एंट्री देंगे। सेम हमारे घर में भी होता है, अगर हमारे घर में कोई बंदा बाहर से आ जाए बिना जान पहचान के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो हम भी उसको मना करेंगे अपने घर में आने से, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा। बट इस फिल्म में वो चीज जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, जो मुझे लगता है कि इरिलेवेंट है। अब डायरेक्टर का इसके पीछे क्या लॉजिक था वो तो मुझे समझ नहीं आया, बट ये पूरी तरीके से एक फेल एग्जीक्यूशन रहा है फिल्म के अंदर में। अब फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ऐसा है कि जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, आपको हमेशा पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या स्टेप कौन उठाएगा। हाँ, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर है, बट ओवरऑल एक तरीके से ये काफी प्रेडिक्टेबल फिल्म है। बट हाँ, इस फिल्म में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। सबसे जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो लगा इस फिल्म का कैमरा एंगल्स। जिस तरीके से कुछ सीन कैप्चर किए गए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। एग्जाम्पल, जो एक सिवादोस और साथ में पीटर बैठे होते हैं आमने सामने एक दूसरे को मारने के लिए, और जिस तरीके से वहां पे 360 डिग्री का एंगल लिया गया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। साथ ही साथ जो आखिरी सीन आपको 5-10 मिनट का देखने के लिए मिलता है, जहां पे सुरुली जाते हैं पीटर को मारने के लिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं और फाइटिंग सीन्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, कहीं से हमें कुछ ओवर नहीं लगता है। तो ये भी एक तरीके से डायरेक्टर ने यहाँ पे भी ठीक ठाक काम किया हुआ है। जो एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का, वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक। जिस तरीके से स्पेशली जहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस में यूज किया गया है म्यूजिक बैकग्राउंड में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक अलग तरीके की आपको धुन सुनने के लिए मिलती है जो कहीं ना कहीं हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं। इसके लिए आई अप्रिशिएट संतोष नारायण जी को, जिन्होंने फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दिया है फिल्म में। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं फिल्म में परफॉर्मेंसेज की। तो धानुष के परफॉर्मेंस को हम हर कोई जानते हैं कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंसेस देते हैं, किस तरीके का उनका एक्टिंग स्किल्स है। बट अगर आप कर्णन जैसी एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे बैठते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। यहाँ पे भी उनका काम ठीक ठाक है, बट उस लेवल का काम आपको यहाँ देखने के लिए उनसे नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं जेम्स कॉस्मो की, तो वो एक विलेन के कैरेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। उनको देख के फील आता है कि हाँ, किसी गैंगस्टर को देख रहे हैं पर्दे पे। उनका काम भी मुझे अच्छा लगा। अब अगर बात करें इस फिल्म में सबसे ज्यादा सरप्राइज कौन करता है, तो वो है जोजू जॉर्ज। उनकी मेरे हिसाब से इंटरवल से पहले की बस उनको हमें देखने के लिए मिलता है, बट जिस तरीके से उतने ही टाइम में उन्होंने अपनी इंप्रेशन डाली है फिल्म में, वो बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके के उनके एक्सप्रेशन थे, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, वो सब बहुत बेहतरीन थे। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस एक एवरेज था सबका इस फिल्म के अंदर में, और वो हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करता है।
बट जो चीज सबसे डिसअपॉइंट करती है वो इसकी लेंथ है, और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो ये एक एवरेज फिल्म है विद एवरेज परफॉर्मेंसेज एंड एवरेज स्टोरी लाइन। तो अगर आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है और अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अदरवाइज फिल्म को मिस करने से भी आप कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से इस फिल्म की जो रेटिंग रहेगी वो है 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, और जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि एक टाइम पास फिल्म है। तो ये था मेरा रिव्यू जगह में ठंडी राम के लिए। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलेंगे जल्द ही एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।